आज एक पेशेंट मेरे पास में आया, बोल रहा था कि मेरा लिंग छोटा है और वो बड़ा करना है, इसलिए आया हूँ। ठीक है, देखते हैं। तो बोला, भाई आपको किसने कहा ये कि ये आपका लिंग छोटा है? बोले, मेरे को पत्नी ने कहा कि आपका लिंग छोटा है। बोले, पत्नी को कैसा क्या लगता है, ऐसा क्यों लगा कि वो लिंग छोटा है? बोले, पत्नी को पता नहीं क्या है, मगर उसको समाधान नहीं होता सेक्स में। तो ऐसी कंडीशन होती है कि भाई पत्नियों को समाधान मिलता नहीं है और फिर वो अपने हस्बैंड के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चालू कर देती है कि भाई तुम आदमी में नहीं है, तुम्हारा छोटा है, तुम्हारा टेढ़ा है, तुमको जमता नहीं है, और फिर झगड़े झंझट चालू हो जाते हैं। अब ये भी होता है कि वो कभी स्त्री पत्नी वो पॉर्न वीडियो देखती है और वहां से उसको यदि वो देखती है कि भाई पॉर्न वीडियो में लिंग का नॉर्मल साइज जो बताते हैं वो 7, 8, 9 इतना इंच बताते हैं और इतना इरेक्ट रहता है पेनिस, और वो जिस तरह से वो एक्टिंग करते हैं, वो लेडी आवाज करती है, मतलब उस तरह का संभोग होना चाहिए, ऐसा आइडियल ये पत्नी के दिमाग में है, और उसके वजह से बोलती है कि नहीं वो तो ऐसा तो हो ही नहीं रहा, तुम्हारा तो छोटा है। अच्छा, मैंने बोला ठीक है, उसको लेके आ जाओ मेरे पास में, बातचीत करते हैं, काउंसिलिंग करें। नहीं, नहीं, वो बोलती तुम जाओ, प्रॉब्लम तुम्हारा है, मैं क्यों? कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो इजैकुलेशन जो होता है, मतलब पतन जो होता है, वो शीघ्र पतन हो जाता है, उससे भी उसको मजा नहीं आती, फिर वो बोलती कि तुम्हारा छोटा है, मेरे को मजा नहीं आ रही। तो ऐसे काफी सारे कारण हो सकते हैं। इसको टैकल करने के लिए ये कि मैंने अन्य वीडियो में जो बोला है कि पत्नी को चरम सुख मिलने के लिए, उसको पूरा समाधान मिलने के लिए अलग अलग स्टडीज में, अलग अलग अभ्यास जो है उसमें बताया गया है कि 14 मिनट का टाइम है एवरेज में, और वो 14 मिनट में फोर प्ले है, इंटरकोर्स है, आफ्टर प्ले है। तो अभी पुरुषों का या पतियों का ये काम है कि भाई वो इंटरकोर्स 14 मिनट तक चले एवरेज में, और 14 मिनट में फोर प्ले करना जरूरी है, फिर लिंग का योनि में प्रवेश वो होना है, वो भी काउंट इसमें है, और फिर पतन होने के बाद में उसके साथ में रहना, टिकलिंग करना, मसाज करना, बातें करना, रोमांस करना, बाद में भी वो भी जरूरी है क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है। देखो, औरतों को अच्छा क्या लगता है उसमें, और ये भी है कि उनको रोमांटिक बातें करना, रोमांस करना, बेड पर मतलब इंटीमेसी, उसको पूछना, उसको अप्रिशिएट करना, उसको वो अच्छा लगता है। मतलब आदमी को क्या है, आदमी को इंटरकोर्स करने में बहुत मजा आती है कि भाई चलो जल्दी करो और जल्दी इंटरकोर्स चालू करो, लिंगायुनि में प्रवेश करो, जल्दी खत्म करो, बाजी हो जाओ। औरत को क्या चाहिए, औरत को चाहिए बातें करो, गप्पे लड़ाओ, मसाज करो, फोर प्ले करो, क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करो, ब्रेस्ट का स्टिमुलेशन करो। मतलब एक 5-10 मिनट पहले आप खेलते हैं, फोर प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली औरत को फायदा होगा। और ये जो प्रॉब्लम है कि भाई मुझे तो फायदा ही नहीं हुआ, मुझे तो अच्छा ही लगा नहीं, आपका तो लिंग छोटा है, आपको तो जमता नहीं है, आपको आता नहीं है, आप आदमी में नहीं है, तो ये होगा नहीं। ये जो पेशेंट आया था उसको मैंने बताया कि भाई आपको क्या लगता है कि आपका छोटा है? बोले हो सकता है। मैंने बोला भाई आपको बच्चे है? बोले हाँ 2 बच्चे। बोला देखो, यदि आपको एक प्रॉब्लम होता था, सेक्सुअल ऑर्गन में प्रॉब्लम होता था, छोटा होता था, जो भी कुछ है, तो आपको बच्चे नहीं होते थे। बच्चे हो गए, सब क्लियर है, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ, नहीं तो बच्चे नहीं होते थे। आपको मूंछ है, दाढ़ी है, आपको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, आपको बच्चे है, सब तो ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होता है कि भाई आपके पत्नी को चरम सुख नहीं मिलता है, ऑर्गेजम नहीं होता, इसलिए बोलती कि आपका छोटा है। तो ये सभी में एजुकेशन होना बहुत जरूरी है, औरतों को भी एजुकेशन होना जरूरी है, और रेफरेंस पॉइंट पॉर्न वीडियो नहीं होना, कि पॉर्न वीडियो रेफरेंस पॉइंट है, उसको देख के फिर अपना वो नॉर्मल नहीं है, वहां से कंपैरिजन नहीं करना है, बाकी लेडीज से कंपैरिजन नहीं करना है, बाकी लेडीज क्या बोलती है तो ये भी कंपेयर नहीं करना है पत्नियों ने कि भाई वो कितने बार करते हैं, कितना साइज है, उनका कैसा चल रहा है, इससे ज्यादा मिसकंसेप्ट्स तैयार होते हैं और फिर आपस में प्रॉब्लम होते जाते हैं। लेडीज लोगों ने जानबूझकर वीडियो देखना चाहिए और अपना जो गलत फहमियां है वो दूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफी सारे वीडियोज है, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट
कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।